Assalamu alaikum. This is Farman. I'm a trick. जो आज आपके साथ आए हैं नींदों में, अभी अभी सो के उठा थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, तो मैं वीडियो बना रहे बच्चों के लिए भाई। क्लास नाइन्थ की लास्ट की है और सिंप्लीफाई क्वेश्चन है दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। आज हम ये दो पार्ट सॉल्व करेंगे। चाय को नहीं है आज, चाय खाली कपड़े उसके साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलो कोई नहीं, ये है आपकी कहानी थी वो बतानी थी, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है? सो अरे हमारा क्वेश्चन था आज का, ये क्या हुआ बेटा, बैठ जाओ, वीडियो बन रही है, अजीब खड़ी हो गई तुम, ना के आती नहीं हो, अभी आप खड़ी आती हो। चलो बेटा सिंपलीफाई क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट है भाई। कल मैंने आपकी बात सुनने प्रीवियस वीडियो में समझाया था आपसे, A6 B12 C9। तो भाई हम किस तरह सॉल्व करेंगे, हैं भाई, है बच्चे, किस तरह सॉल्व करेंगे इसको, हम सॉल्व करेंगे। ये बंद नहीं हो सकती बेटा, ऐसा नहीं बोलो, ये वीडियो बंद नहीं होगी। देखो बेटा, देखो नहीं करो, कोशिश करके देखो बेटा। आई हैव चप्पल, आपको क्या मिलता है, 1/3 मिलता है। दिस इज 2/5/6 B12 C9। 2/5/6 का आप ऐसे निकालते हैं, 4 से निकाल दो भाई, क्योंकि पता है 4 क्यूब कितना होता है, 4 का कितना होता है 16 4 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
64 पावर 3 इक्वल टू 64 होता है। वी आर इन क्लास स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये 4 पावर 4 जो होता है ना, अरे खराब कर रही है वीडियो को, इक्वल टू 256। दुनिया का काम है जलना, जलते रहते दिल को कड़े होके जलने। ये आप वीडियो बंद कर रहे हैं। सही है, चलो बेटा मैंने बता दिया आपको क्या होता है भाई। 4 पावर 4 कितना होता है? 64 होता है। 4 पावर 4 256। ठीक है, सबसे पहले आपने एक बात कहूंगा, आपने घबराना नहीं है जो नाम काम कहते हैं, तो इजी सॉल्व करेंगे ना। पता है भाई 256 कितना होता है? 4 पावर 4, ए पावर 6, बी पावर 12, सी पावर 9 अपॉन 3। अब अगर पहुंच रही कोई नंबर समझ लगा क्यों ना, ये 4 है, ये पावर क्या है बेस 3 है, तो क्यों ना 4 पावर 3 को ऐसे करके ऐसे लिख लूं। है भाई 4 पावर 3 को ब्रेक करता हूं, 4 पावर 4 को ब्रेक करता हूं, क्यों? क्योंकि इसकी पावर 1 अपॉन 3 है ना, तो हमें क्या चाहिए? 4 पावर 3 इनटू 1, क्योंकि 4 पावर 4 बराबर होता है 4 पावर 3 इनटू 4 पावर 1 के बराबर होता है। बेसिकली आर सेम, वी एट द पावर, बात एक ही है, दोनों की बात एक ही है, तो उसको मैंने इस तरह लिख लिया। ठीक है भाई, 1 आ गया यहां पे, ए पावर 6, बी 12, सी 9 अपॉन 3। अब पावर को हर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, हर अंदर के वेरिएबल से और वैल्यूज से 1 अपॉन 3 को बाहर के रूट को मल्टीप्लाई कर दो। जो बाहर नंबर है वो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि रूल है बेटा, जो बाहर पावर होती है वो हर नंबर से ऊपर पावर होती है। ठीक है, 3 कैंसिल, 4 आ गया, 4 अपॉन 1 अपॉन 3 आ गया, 3 1 3 3 2 6 आ गया, 3 1 3 3 4 12 आ गया, 3 1 3 3 9 आ गया, c पावर 9। ठीक है भाई, ऑरेंज कलर 4 सेम आ गया, सेम आ गया। अभी 1 अपॉन 3 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? है भाई, लिख सकता हूं। हां भाई, a 2 आ गया, b 4 आ गया, c, जो कि आपका ये आंसर है। कितने इजी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया।
ठीक है, इट्स नॉट अ मुश्किल क्वेश्चन. मुश्किल क्वेश्चन तो आपके सामने ये आएगा जो आपको बताएगा हमने कैसे करना है, क्यों करना है, और बस करना तो है बेटा. सॉरी भेज. हाँ सही. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3.3 का पार्ट नंबर 8 है बुक में. सही. तो आप मैं आई होप सो कि आपने देख लिया उसको. वीडियो को शॉर्ट करना था मैंने भाई, यार टाइम कम है, काम ज्यादा है. आप कह रहे हैं 9th क्लास की बुक सॉल्व करें, हमने आपकी फरमाइश प्रोग्राम पे 9th क्लास की बुक सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए. बच्चों के कमेंट्स बहुत आ रहे थे ना बेटा, क्या करें, मजबूरी है. जो बच्चे कमेंट बोलेंगे हम वो सॉल्व करेंगे, है ना भाई. बच्चे मन के सच्चे दुनिया भर को उठा के फेंकते हैं. अपने बाप को बोलते हैं कौन है भाई, ऐसे बच्चे आजकल. इसमें से मिसाल हमारे पास है, बताऊंगा उसको कौन है. ठीक है, वो आ जाए नहीं, वो जब ना तो बोलता है मैं मिस्टर टर्की हूँ, मैं बताऊंगा उसके बारे में, बताऊंगा आपको. मैं मेरे बच्चे ऐसे हैं, अल्लाह माफ करे. चलो कोई नहीं. 216 आपको मालूम है सिक्स पावर 3 = 216. फ्रंट 5 में क्या क्यूब होता है, क्या होता है 125. ओके तो भाई पहले पहले आप क्या करें, ब्रैकेट लगाए वाला पार्ट 2 बाहर रूट का लगा दिया. 216 से क्या होता है 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, ये इसके इवनिंग हो गई. 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2, ये इसकी आ गई. इसका पॉइंट रिमूव करता हूँ, नीचे क्या आता है ऊपर 4 आ गया. पॉइंट रिमूव किया जो 1 आया, पॉइंट को 2 नंबर थे तो 2 0 आ गए. ये हो गया माइनस का 3/2. सही, 3 और 3 कट गया, 6 पावर 2. ये क्या था 5 पावर 3 था, 1/2 था. तो मैंने क्या कर दिया, जैसे मैंने उसका पहले ही क्वेश्चन में किया था 3 5 को ब्रेक किया था 5 पावर 2 और 5 पावर 1 में, तो ऐसे ही मैं इसको 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 से अलग कर दूंगा, 5 पावर 1 मल्टीप्लाई 1/2 को अलग कर दूंगा. ठीक है, 3 को मैं तोड़ा है 5 पावर 2 और 1 में. ठीक है, क्योंकि मेरे सब दोनों पे थी. ठीक है, अब इसको माइनस कर दीजिए, पावर माइनस में है ना. जब मैं इसको प्लस में करूंगा तो ये वैल्यू क्या होगी, आपस में रेसिप्रोकल हो जाएंगे. 100 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, और ये 3/2 हो जाएगा. क्यों राहुल, सही कर रहा हूँ मैं, सही है. अच्छा ठीक है, ये 2 और 2 कट चुका है. 4 × 4 = 4 125 था, और 425 से क्या होता है बेटा 100. 425 से क्या होता है बेटा 100. तो 6 इसको आया 5 सेम, 5 पावर 1/2 सेम, 25 पावर 3/2, और ये बाहर आ गया 1/2. सही है, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया. आगे ये पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ. नो वो था. सही है, अपनी होशियारी में झाड़ो, होशियारी में बोल दो, होशियार रखे भूल गया होगा तो होशियारी भी झाड़ा हमारा हमें कंफ्यूज कर रहा है, वीडियो खराब हो गई हमारी. समझा भाई शायन, समझा शायन झाड़ रहा है. अब 6 पावर 2 को आपने 1/2 से अलग बटला किया बाहर वाले, 5 1/2 अलग आ गया इस पे, और 5 1 × 1 = 4 ये अलग हो गया. 1 × 1 = 4 हो गया. 25 का आपको पता है 5 स्क्वायर 125 होता है, 5 का स्क्वायर 125 मल्टीप्लाई 3/2 और मल्टीप्लाई 1/2 इस पावर हो गया. 2 से 2 कट गया 6 आ गया. सही है, मल्टीप्लाई 5 बेसिस आर सेम वी एट द पावर. ठीक है, ऐड कर लेंगे 1/2 1/2 कैल्सियम निकालो, कैल्सियम क्या आ गया 4 आ गया. 4 2 में 4 का बात है 2 टाइम, तो 2 1 2 ऊपर आ गया, प्लस 4 में 4 का बात है 1 टाइम, तो 1 सेम आ गया. 5 3 1 3 और इसी का था 2 आ गया. सही है बच्चे, तो 6 5 2 प्लस कितना होता है 3/4 और 5 3/2. 3/4 प्लस के नीचे किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा. सही,
सिक्स आ गया, सिक्स सेम आ गया, अगेन इसका एलसीएम निकाला, फोर आ गया, टू एंड फोर का टू टाइम, तो थ्री टू से कितना होता है सिक्स होता है, माइनस फोर से फोर कैंसिल हो गया, फोर से फोर कैंसिल, तो क्या होगा थ्री सेम आएगा, सही है अंशिम, सिक्स फाइव थ्री अपॉन फोर हो गया। अब बेटा फाइव पावर थ्री अपॉन फोर निकालो राइट, इसका आंसर क्या आता है कैलकुलेटर में, जल्दी निकालो कैलकुलेटर से आंसर निकालते हैं, कैलकुलेटर से आंसर निकालिए, थर्टी वन पॉइंट श्योर, आराम से करो, रिलैक्स होकर करो, वीडियो बन रही है, वो नहीं है कि 3.34 मैं बोल रहा हूँ क्या हो गया, 31.4 3.34 आ गया, ठीक है, तो आप 6 डिवाइड बाय 3.34 करो बेटा, तो ये आपका जो आता आंसर आ गया 1.796, ये आपका बैड आंसर है, ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, मैं लास्ट में करता हूं अपनी वेडिंग में, 2 पावर 6 था, 6 पावर 3 हो गया, 2 पावर 3 से अलग मत कर दिया, 125 था, 5 पावर 3 हो गया, 1.2 से अलग मत कर दिया, पॉइंट मूव किया नीचे 1 आ गया, पॉइंट के बाद दो नंबर पे 204 गए, 4 ऊपर के रह गया, माइनस 3 अपॉन 2 आ गया, 6 पावर 2 हो चुका है, 5 3 अपॉन 2 हो चुका है, ठीक है, 3 को ब्रेक कर दिया, 3 को 2 और 1 में ब्रेक कर दिया, तो 1/2 2 से अलग मतलब हो गया, और 1/2 एक सिंगल वैल्यू से अलग मतलब हो गया, 4 अपॉन को रेसिप्रोकल किया तो 100 ऊपर आ गया, 4 नीचे आ गया, 3 प्लस में हो चुका है, 4 × 4 = 25 क्या होता है 100 होता है, 25 सेम आ गया, ये सेम आ गया, कट चुका था 5 सेम आ गया, ये 5/2 सेम आ गया, 1/2 आ गया, 6/2 था, ठीक है भाई, 6/2 ऐसे आ गया, और 1/2 से उसको बाहर ही पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 1/2 से अलग मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 1 = 1, 2 × 4 ये आ गया, 5² = 25 होता है, 5² = 25 होता है, 3/2 से मल्टीप्लाई हुआ, और 1/2 से अलग मल्टीप्लाई हुआ, 2 × 2 कैंसिल 6 आ गया, 5 × 2 2 × 4 का मैसेज आ सेम भी एंटर पावर जो कैसे निकाला मैंने 4 आ गया, 2 × 4 = 2 × 2 हो गया, और 4 × 4 = 1 मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर 3/4 आ गया, लंदन से, तो उनसे हम मिलती वेडिंग करेंगे, सो सी यू सून, आप इनसे तो मिल लें, ये बहुत मांग रहे हैं हमसे, ये छोटे ये हमारे घर के ना गोलू, मैं गोलू, चलो भाई चलो ठीक है।